सोलन की विवादित गौशाला का मीडिया ने जब असली चेहरा प्रदेश सरकार को दिखाया तो पशुपालन मंत्री ने इस पर तुरंत जांच बिठा दी और सोलन से पशुपालन विभाग के अधिकारियों की उनकी टीम के साथ गौशाला में वास्तविकता जानने के लिए भेजा। अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के बाद जो ऐसे तथ्य मीडिया के समक्ष रखे जिसे सुनकर हमारे भी पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि गौशाला में गऊं के साथ बेहद वर्वतापूर्वक व्यवहार किया जाता था, उन्हें तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर दिया जाता था। जो गाय मृत हो जाया करती थी उन्हें संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की इच्छा के विरुद्ध खिंचवा कर खुले में फेंकवा दिया जाता था। अधिक जानकारी देते हुए पशुपालन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने जब गौशाला के गऊं के स्वास्थ्य की जांच की तो ज्यादातर गऊं भूखी थी, जिन्हें सूखी तूड़ी दी जा रही थी। यही नहीं, गायों को जितनी तूड़ी दी जानी थी वह भी नहीं दी जा रही थी और हद तो यह है कि कभी कभी तो सूखी तूड़ी भी गायों को उपलब्ध नहीं करवाई गई। जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जो गाय लंबे समय तक बीमार रहती थी उसे जहर देकर मार दिया जाता था और फिर मरी हुई गाय को विद्यार्थियों से जबरन खड्डों में फेंकवा दिया जाता था। उन्होंने कहा कि गायों के रक्त के सैंपल लिए गए हैं जिनकी दो दिनों में रिपोर्ट आनी है, जिसमें पुख्ता तौर से खुलासा होगा कि गाय का स्वास्थ्य कितना खराब है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा तैयार रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर प्रदेश सरकार को सौंप दी जाएगी ताकि वो उचित कार्यवाही अमल में ला सके। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जानवर काफी मरते रहते हैं और जिनको कि ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाता है। स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि लगभग पिछले 10 महीनों में 80 से 90 जानवर मर चुके हैं और ये जानवर गौसदन से उनसे उठवाए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही घृणित कार्य है। लेकिन जो वहां देखा गया है और रिकॉर्ड में देखा गया है कि केवल जानवरों को सूखा भूसा ही दिया जा रहा है और वो भी नियमित मात्रा में नहीं दिया जा रहा है। कई बार तो ऐसा है कि जो रिकॉर्ड है उसको देख के लगता है कि कुछ दिनों तक तो जानवरों को बिल्कुल भूसा भी नहीं दिया गया है, जिससे कि गायों की मौत भी हो सकती है। साथ ही मैंने पाया कि जो भूसे की क्वांटिटी दी जा रही है तो रिकॉर्ड में कुछ और दिखाया गया है, मौके पर कुछ और आ रहा है, तो उसमें भी सिमिलरिटी नहीं है। जो कि कहते जानवर मरे हैं और जानवरों की संख्या रिकॉर्ड में दर्शाई गई है वो भी थोड़ी सी गलत प्रतीत हो रही है। ये जो जानवर ज्यादा बीमार हो जाते थे उनको इथनाइज कर दिया जाता था, लेकिन प्रशासन से पूछने के शुरू में तो उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने बाद में बताया कि इनको हम इथनाइज कर देते थे क्योंकि जानवर ठीक नहीं हो पाता था, उसके बाद हम वैज्ञानिक तरीके से इथनाइज कर देते थे उसको।